वीडियो में हम देखेंगे अभिसारि चिंतन और अपसारि चिंतन में क्या अंतर है। अभिसारि चिंतन को परंपरागत चिंतन कहते हैं। इसमें व्यक्ति के विचार केंद्रित रहते हैं और इसमें समस्या समाधान दी हुई समस्या से ही कर लिया जाता है और कोई नए तत्व या बाहरी तत्व को शामिल नहीं किया जाता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि प्राचीन काल में कुछ नियम बनाए जाते थे, जैसे कि मौत के बदले मौत। अगर किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको सज़ा दी जाती कि उसने व्यक्ति को मारा है तो उसको भी मरना ही होगा। तो ये होता है अभिसारि चिंतन। अब अपसारि चिंतन की बात करते हैं। अपसारि चिंतन में जैसे किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको बचाना है, क्योंकि कानून के नियम के अनुसार तो उसके द्वारा अगर मौत हो जाती है तो उसको भी मौत की सज़ा मिलेगी, लेकिन अब उसको बचाना है तो बचाने के लिए क्या करेंगे? तो वो चाहते हैं कि उसके कानून में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी इसके बाद अगर कोई व्यक्ति मारता है तो उसको मौत की सज़ा मिलेगी, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति है उससे गलती से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बचाने के लिए एक कमेटी बुलाई जाती है और उनसे विचार लिए जाते हैं कि इसको बचाने के लिए कोई तरीका निकालो जिससे कि इसको बचाया जा सके। तो वो विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को देखते हैं कि अगर किसी अच्छे व्यक्ति से मृत्यु हो जाती है, उसने सारे काम अच्छे किए, कोई गलती से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, क्षमा किया जा सकता है। तो यानी कि विभिन्न प्रकार से सोचना, यानी अनेक तरह से सोच करके उसको बचाना ही अपसारि चिंतन कहलाता है। तो ये था अभिसारि चिंतन और अपसारि चिंतन में अंतर। यानी कि अपसारि चिंतन का मतलब होता है बहुमुखी चिंतन, अर्थात इसमें व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए और बाहरी तत्वों को शामिल कर लेता है, और जबकि अभिसारि चिंतन में बाहरी तत्वों को शामिल नहीं करता। तो इसका सबसे सीधा उदाहरण है कि जैसे किसी अपराधी ने अपराध कर दिया है और वह अपराधी तो है लेकिन उसके अच्छे कार्य भी है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्षमा कर देना ही क्या कहलाता है अपसारि चिंतन, क्योंकि उसके गुणों को देखा जाता है। और अभिसारि चिंतन में अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, जबकि अपसारि चिंतन में अगर किसी ने अपराध किया है तो उसके गुणों को देखा जाता है, यानी उसके बाहरी गुणों को देखा जाता है और इस तरह से उसको क्षमा कर दिया जाता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभिसारि चिंतन अपसारि चिंतन में अंतर इस तरह से हम याद रख सकते हैं।